बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर वाफरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, जिंदगी, लत्तदाद खुशियां दे और आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, आज रेसिपी जो बनने लगी है, ड्रिंक जो बनने लगा है ना फ्रेंड्स, वो बनाने तो मैं लगी हूँ और ये रेसिपी किसी और की है। और वो किसकी है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज सोबी सोबी किचन में बनेगा मिंट मार्गीटा टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये रेसिपी किसकी है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने लेनी है फ्रेश पुदीने के पत्ते। जी फ्रेंड, उसके बाद ना फ्रेश लेमन जूस आपने लेकर ना उसे क्यूब्स में डाल के 2 चम्मच आपने लेना ये बर्फ है ना फ्रेंड्स। अगर आपने ना फ्रेश लेमन जूस लेना है, फिर आपने ना जब शेक करेंगे तो इसमें बर्फ आइस क्यूब्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करें। अगर इस तरह आपने ना पहले से क्यूब्स बना के रखे हुए ना तो ये इस्तेमाल करें। ये फ्रेश लेमन जूस है और 2 चम्मच के जितना ये भी डालेंगे पुदीने में। और पुदीने की पत्तियां को आपने टहनियों से अलहदा करके तो अच्छे से धो के आपने जग में डालना है। और फ्रेंड, 1/2 चम्मच के जितना ना इसमें डालेगा शिकंजी मसाला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी सोबी सोबी किचन में मौजूद है। काला नमक जाएगा ना फ्रेंड्स, आपने काला नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है क्योंकि शिकंजी मसाले में भी मौजूद है। जी फ्रेंड, इस स्टेज पे ना आप चाहे तो पानी, चाहे फ्रेंड्स आप इसमें ना जो वाइट सोडा होता है ना वो भी डाल सकते हैं। और अभी इसमें चीनी जाएगी। जी फ्रेंड, 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है और दूसरी चम्मच मैं 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करने लगी। चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अभी वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये रेसिपी, ये टिप्स और ट्रिक्स किसके थे, किस महान शेफ थे। जी फ्रेंड, बहुत अच्छे से आपने शेक करना है कि पुदीने के जो पत्ते हैं ना अच्छे से बीच में हल हो जाए, मीन के मैश हो जाए। जी फ्रेंड्स, मिंट मार्गीटा हमारा रेडी हो गया और ये जो रेसिपी कह लें, तरीका कह लें, ये मुझे ना काबिल रिस्पेक्ट शेफ मोहम्मद आरफ की थी, ये उन्होंने मुझे दी थी। जजाक अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी दी। आइंदा भी आप इसी तरह मुझे दिया इसी तरह रेसिपी दें और मैं आपका नाम लेकर आपकी रेसिपी के साथ बनाया करूँगी इंशाल्लाह। जी फ्रेंड, आप इसे ज़रूर बनाएं इफ्तार पार्टी में, इफ्तार में, और अपना फीडबैक सोबी सोबी किचन के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।